सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये दोनों एक साथ इस वक्त ज़ेरे गुफ्तगू हैं पूरे भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। बहुत ही सादा सा अमेंडमेंट एक्ट था CAA के, भाई जो प्रोसिक्यूटर कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको भारत पनाह देगा NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये दोनों बड़े अरसे से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ेरे बहस रहे कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में किस शक्ल में लाना है। उनकी एक शक्ल बन गई, सब इस पे बोल रहे हैं, हक में भी रैलीज हो रही हैं और ख़िलाफ़ भी हो रही हैं। मगर बॉलीवुड के जो एक्टिविस्ट हैं या अदाकार हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी समाज का हिस्सा हैं, सबको बात करनी चाहिए, सबको उसके हक में भी बोलना चाहिए, ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए। यानी जो जैसा उसको देखे वो उसको वैसा ही रिएक्ट करे। मगर सवाल ये है कि क्या जैसा जो उसको देख रहा है उस पर बात करना मुनासिब है या उसको समझना भी ज़रूरी है? आज मैं बिला तकल्लुफ तजिए में बातचीत करूँगा बॉलीवुड ऑन CAA। हमने बहुत दिनों से कई वीडियोस देखे, वो भी मैं इकट्ठे करूंगा। आज का एक वीडियो जब सामने आया पूजा भाट जी का, जो एक बहुत ही वेल नोन एक्ट्रेस हैं, तो वो क्या कहती हैं ज़रा सुनिए पहले उनकी बात और फिर मेरा तबसरा सुनिएगा। I implore our leaders to please listen to the voices. There is a voice that is absolutely undeniable that has risen in India. The students gave us a cue. The women of India in Shaheen Bagh, in Lucknow, everywhere. आप बोलते हैं ना भारत माता की जय, हम सब औरत में चाहे हम माँ बने या नहीं बने, हमारे अंदर है ना एक माँ, वो माता है, वो गॉडेस है। आपने जगा दिया अभी वो गॉडेस को। You've actually made us a custodian of our constitution and we are not going to stop. जैसे आपने कहा कि you need to be consistent and we will be consistent. We will not stop until we are heard loud and clear. अभी पूरी दुनिया बोल रही है। Everybody is lying. Is the European Council lying? Is the Washington Post lying? Is the New York Times lying? Are the Economic Times lying? Is everybody lying? सब झूठे हैं। जो भी कुछ negative बोलता है तो वो देशद्रोही है। और आपने अपने आप को कैसे मतलब ये ठेका दे दिया कि आप ही हैं हिंदुस्तान के लवर? सो आई क्वेश्चन दैट एंड आई हैव ग्रोन अप इन एनवायरनमेंट वेयर आई वाज अलाउड टू क्वेश्चन। सो आई वुड ओनली इम्प्लोर पीपल टू स्पीक अप मोर, क्योंकि आपका साइलेंस जो है इट्स डूइंग फार मोर हार्म। व्हाट्स माय ओपिनियन अबाउट द CAA एंड NRC? आई डू नॉट सपोर्ट इट बिकॉज इट डिवाइड्स माय हाउस। And anyone who divides my house, I am going to stand up and protest against until my last breath. तो वो कहती है कि वो NRC को, CAA को नहीं एक्सेप्ट करेंगी। उन्होंने वो काली पट्टी भी दिखाई और बातें भी की, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए। अगर उनकी बातों को अगर हम कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखें तो बड़ी अच्छी फ्लावरी बातें लगती हैं, बड़ी मीठी बातें लगती हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हम रैशनैलिटी से हट के चीज़ों को देख सकते हैं? CAA क्या कहता है, NRC क्या कहती है? इनके बारे में पूजा भाट जी कुछ नहीं बोलती, वो बस बोल रही हैं कि जो एक रेटरिक है कि हमने इसकी मुखालफत करनी है। क्यों मुखालफत करनी? वो कहती हैं कि क्या वाशिंगटन पोस्ट, CNN और दूसरे बड़े बड़े दुनिया के मीडिया आउटलेट्स क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो कह रही हैं वो तो बड़े इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो वो सच ही बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप कैसे, यानी वो गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट को कह रही हैं कि आप कैसे मुल्क के अनोखे या वाहिद रखवाले हो सकते हैं? हम सब हैं भाई, बदरुस्त है बात। मैं ये मानता हूँ कि भारत के रहने वाले सभी भारत को चाहते हैं, लेकिन इस तरह का जो एक्शन और रिएक्शन भारत में अब डेवलप हो रहा है, कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ क्लैश पे आ रही हैं, बॉलीवुड के सितारे एक दूसरे के साथ क्लैश पर आ रहे हैं, क्या कोई समझना चाहता है? जैसे पूजा भाट की बातें सुनकर हमें ये तो लगा कि बातें अच्छी हैं,
मगर इसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई हमें ऐसी लॉजिक नज़र नहीं आती कि हम ये जान सकें कि इस सेलिब्रिटी ने सीए को जाना भी है या एनआरसी को पढ़ा भी है। उसके बरक्स पिछले दिनों ही, कोई हफ्ता दो हफ्ते पहले, जूही चावला और दिलीप जी ने भी बात की, उन्होंने सीए के, सीएए और एनआरसी के हक में बात की। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं भी उसके हक में हूँ तो मुझे उनकी बात मेक सेंस करती है, मगर एटलीस्ट जो रैशनैलिटी अपने तौर पर खुद बोलती है, इरैशनैलिटी खुद अपने तौर पर बोलती है। अब जूही चावला और दिलीप जी की जो रैशनैलिटी है वो भी आप सुनिए और खुद ही कंपेयर कीजिए। Reacting and can we start responding? क्या हम पहले रुक कर समझ लें कि बात क्या है, क्यों है, किस लिए बनाई गई है या क्या हो रहा है? पहले समझें और फिर मुंह खोलें। और कोई भी चीज तोड़ने में वक्त नहीं लगता। उठ के बस को तोड़ दिया, घुस गए, किसी का सर फोड़ दिया, इसमें वक्त नहीं लगता, मगर जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। गृह मंत्री जी श्री अमित शाह के मुंह से ये लफ्ज, इस सीए की बात निकली ही नहीं थी कि यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्शन होना शुरू हुआ। केवल ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन लोग हिंसा पे निकल आए। ये पहले से तय किया गया था कि अभी जब भी जैसे गृह मंत्री कुछ कहेंगे, हम उसी यूनिवर्सिटीज में जहां ये हमेशा शुरू होता है, जामिया मिलिया में, एएमयू में और बाकी ये चंद यूनिवर्सिटीज में, ये मतलब ये वायलेंस शुरू करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। और एक बार आपको मालूम है, जहां आग लगती है तो आग फैलती है, और उसी को हम देख रहे हैं यहां पर। मुझे यकीन है कि जो भी है, किसी को भी वायलेंस और हिंसा नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी में शांत चाहिए, जैसे हमारे, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश जो है, इट इज अ पीसफुल। तो जूही चावला ने कहा कि पहले समझें फिर मुंह खोलें, और वो दिलीप जी ने कहा कि अभी बात सीएए पर चली नहीं थी, लोग पहले ही विरोध के लिए तैयार थे। ये फैक्ट्स हैं। और जूही चावला जब ये कहती हैं कि पहले समझें फिर मुंह खोलें, बड़ी सादा सी बात है कि भाई सीएए को पढ़ तो लो, एनआरसी को पढ़ तो लो, इसमें किसी के खिलाफ क्या बात है? कोई किसी के खिलाफ बात नहीं है। और वो जो दिलीप जी कहते हैं कि वो जैसे प्रोटेस्ट स्टेज किए गए, और बताया जा रहा है कि किस तरह उन प्रोटेस्ट के पीछे पैसा भी लग रहा है, ये सब बातें अपनी जगह पर। हम जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनके दर्द को समझते हैं, वो अपने जो गुड अंडरस्टैंडिंग में बातें कर रहे हैं, मगर उनकी गुड अंडरस्टैंडिंग में जो उसके विरोध में जा रहे हैं, वो एक जो होता है फील गुड वाला एक एटीट्यूड है। जो थोड़ी चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं, जूही चावला हो, अनुपम खेर हो या कंगना हो, तो वो जब बातें करते हैं तो एक रैशनैलिटी नज़र आती है। अब वो जो जूही चावला ने कहा कि पहले समझें फिर मुंह खोलें, अब जब ये सीए के ख़िलाफ़ विरोध शुरू हुए तो शुरू में ही फरहान अख्तर आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ बहुत आइडिया नहीं है, कुछ इस तरह की बात की। मैं वही पुराना, एक महीना पुराना वीडियो का वो जो क्लिप है आपके साथ फिर शेयर करता हूँ, ताकि हम देखें कि सितारों ने समझने या ना समझने का किस तरह ठेका लिया है इस सारे कॉन्ट्रोवर्सी में। लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़े देखे, देखे, देखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न इफ एवरीथिंग वाज ओके, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न, नॉट जस्ट इन मुंबई, इन असम, इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन हैदराबाद, व्हाई आर पीपल कंसर्न। वो कहते हैं जो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बात होगी, फरहान अख्तर ये कहते हैं। तो जो बहुत सारे लोग सीए के हक में भी रैलीज निकाल रहे हैं भारत से लेकर दुनिया भर में, तो उनकी तरफ भी फरहान अख्तर या पूजा भाटची या वो हमारे नसीरुद्दीन शाह जी देख लें, तो वो एक ही साइड की पिक्चर जो देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि पहले से जो दिल की इंटेंशन है वो कोई बहाना हाथ आने के बाद वो अब आगे बढ़ रही है। बहाना यही है कि विरोध करना है, मगर विरोध अगर करना है तो उसके पीछे क्या रैशनल है,
इस पे तो बात करें, वो बात नहीं हो रही। रैशनल के लिए बात करने के लिए बॉलीवुड के ही एक बड़े सादा से सितारे हैं बिंदु तारा सिंह जी, वो क्या कहते हैं, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। देखो ये देखो, आपको समझना पड़ेगा, एक देश है, देश चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और हम लोगों को भरोसा था कि मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह से देश को चलाएगी, लेकिन कभी कभी ये कोई ना कोई इनके एजेंडा में जो चीज़ें हैं वो इनने सोची हुई हैं कि देश के लिए शायद ख़राब है, और वो उसको घुसा देते हैं, और उसमें फिर हैवक होता है, राइट्स होते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा ये जो राइट्स होते हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया एग्जैक्टली ये है क्या। तो छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपये दे के राइट्स करा के पत्थर भरवा रहे हैं के लिए जो लोग कर रहे हैं, वो क्लियर दिखता है कि भाई ये रियल लोग नहीं है, पोस्टर भी किसी ने बना के बांटे हैं और सब ऐसे 500 रुपये लेके खड़े हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोसिक्यूट यानी दूसरे देशों में किसी हिंदू किसी और कौम के साथ गड़बड़ हो रही है तो उनको इंडिया आना अलाउड होगा और वो यहाँ आ सकते हैं, और वो वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो उसी लिए आई थिंक इन लोगों ने ऐसा रखा कि मुस्लिम नहीं, लेकिन अगर वो मुस्लिम भी लिख देते तो बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो कंट्रियाँ बकवास है और इंडिया बहुत ही बेहतरीन है, तो इसीलिए शायद नहीं लिखा, पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन जब कंट्री में आपका रूल चल रहा है तो आपको ही ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए जिसमें आपका यानी आगे बढ़ने के बजाय वापस गड़बड़े हो। तो आई थिंक बीजेपी वाले ट्राई कर रहे हैं अच्छा, लेकिन बैकफायर कर रहा है, और दूसरी ऑपोजिशन की पार्टियाँ 500 दे के करवा रही हैं। तो बिंदु दारा सिंह जी बड़े वाजे शब्दों में कह रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी है कि आपको समझ नहीं आ रही, जिन बॉलीवुड के सितारों को समझ नहीं आ रही, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, वो उनसे कह रहे हैं कि भाई पहले समझ तो लो बात। वही जो जूही चावला ने कहा, पहले समझें फिर मुंह खोलें, मगर उनको कौन रोक सकता है। नसीरुद्दीन शाह जैसे सीजन्ड एक्टर जो लेफ़्ट के बड़े एक स्नॉब अपने तौर पर सेल्फ क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल हैं, जो हम तो नहीं उनको समझते इंटेलेक्चुअल, मगर हम उनकी एज एन एक्टर रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमने कई दफ़ा बातें की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में वायर के साथ बातचीत करते हुए जो बात की उसमें किस तरह का उनका रूड एटीट्यूड था टूवर्ड्स अनुपम खेर, मैंने पहले भी एक शो में इस पर बात की थी, मगर आज चूँकि बॉलीवुड के सितारों के हवाले से CAA के हक और ख़िलाफ़ जो कुछ बातें हो रही हैं मैं उनको कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर का जो एक दूसरे के साथ अलग अलग बयानबाजी है, नसीरुद्दीन शाह ने वायर में इंटरव्यू देते हुए जो एक सख्त बात रूड बात की अनुपम खेर के बारे में, अनुपम खेर जी ने फिर अपने वीडियो एक ट्विटर पर रिलीज़ करके उसको जो अपना नैरेटिव पेश किया, वो दोनों मैं इस अगले वीडियो क्लिप में आपके सामने एक बार फिर पेश कर रहा हूँ। Like Anupam Kher has been very vocal. He's I don't think he needs to be taken seriously. He's a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his psychophantic nature. It's in his blood. He can't help it. अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। तो बहरहाल ये हमने पहले भी आपको बात सुनाई थी अपने एक पहले शो में भी, और अब फिर हमने ये बात दोबारा से पेश की, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सितारे और CAA और जो NRC का मसला है उस पर कुछ क्लिप्स इकट्ठे कर रहे हैं अपने तबसरे के साथ, और जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा अनुपम खेर के बारे में, और अनुपम खेर ने जिस सलीके से जवाब दिया वो अब आपने खुद ही देख लिया। मेरे कहने की, मेरे तबसरे की कोई मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि बात करने का एक तरफ से ढंग कितना रूड है और दूसरी तरफ से उसको कैसा कूल रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। अगले वीडियो क्लिप की तरफ जाते हैं, एक और सुपरस्टार बहुत ही अपने लेगेसी के तौर पर लेफ्ट और रोशन ख्याली की बात करने वाले, वो अपनी जगह पर है, मगर बातों
तक पहुंचना कहां तक है। जूही चावला की बात मैं आज बार बार कोट कर रहा हूं कि पहले समझें फिर मुंह खोलें, मगर मुंह खोलने में कौन सी दिक्कत है, मैं भी खोल सकता हूं, खोल ही रहा हूं, ये लोग भी खोल रहे हैं, लेकिन जो भी मुंह खोले, मैं खोलूं, कोई खोले, उसमें एक रैशनैलिटी तो दिखने वाले को दिखेगी, और अगर इरैशनैलिटी होगी तो वो भी छुप नहीं सकेगी। अब वही इरैशनैलिटी ज़रा शबाना आज़मी जी के इस बहुत ही मुख्तसर से वीडियो क्लिप में देखिए, जो उन्होंने आलमोस्ट अ मंथ अगो बड़े ही एक जो गुस्से से और एरोगेंस के साथ कहा कि इन सॉलिडैरिटी विद CAA, आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर ये उनका मुख्तसर वीडियो क्लिप। खून से सींची है मैंने जो मरमर के, वो जमीन एक सितमगर ने कहा उसकी है। जावेद अख्तर, आई स्टैंड अगेंस्ट CAA। उन्होंने अपने शौहर जावेद अख्तर का एक शेर यहाँ पे कोट किया, वो जमीन एक सितमगर ने कहा उसकी है, और कहा कि इन सॉलिडैरिटी विद CAA। फ्यू सेकंड्स का वीडियो क्लिप, और वो बताना चाहती हैं कि वो जो सितमगर है वो ऑफ़ कोर्स वो इशारा दे रही हैं अपने शौहर के शेर को कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उसकी है, जैसा कि पूजा भाट ने भी कहा कि भाई कौन होते हैं जो कहते हैं कि वही सिर्फ मोहब्बे वतन हैं और हम नहीं हैं। भाई ना तो नरेंद्र मोदी ना BJP कोई नहीं दूसरों को कह रहा कि आप मोहब्बे वतन नहीं हैं, अनटिल अनलेस आप वायलेंस पर ना आए, आप चैंट ना करें ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर आप मुल्क तोड़ने की बात करते हैं तो जाहिर है फिर तो वो कहेंगे कि आप मोहब्बे वतन नहीं हैं, इसके अलावा तो वो नहीं कह रहे ना कि आप मोहब्बे वतन नहीं हैं, उसके अलावा तो वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ समझें, गौर करें, बोलने से पहले मुंह खोलने से पहले समझ लें बात को। और यही बात कंगना जी कहती हैं, बॉलीवुड की एक नामवर एक्ट्रेस जो इस तरह की बातें खुल के कर कहती हैं और समझती भी हैं, हमने इनकी बहुत सारी बातें सुनी हैं। अगले कुछ एक मैं अपने शो में वो सैफ अली ख़ान के बारे में उन्होंने जो बात की थी, और मैं इंडिया के कुछ राइटर्स को भी साथ जोड़ूंगा, चंद दिनों में ऐसा शो भी पेश करूंगा जिस पर कंगना जी ने बड़ी ऑन स्पॉट बात की थी, वही बात वो CAA और NRC पे करती हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले कही, एक बार फिर आपकी याद दहानी के लिए आपके सामने हाजिर है उनकी बात। When I feel that democracy के नाम पे we are still this is my very personal opinion, we are still hung on to pre-independence era, जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं। तो कंगना जी कहती हैं कि जो आप डेमोक्रेसी के नाम पे कर रहे हैं वो सिर्फ यानी सिक्के का एक रुख है। भाई जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भी तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, वो अगर अपनी पार्टी के बड़े मैंडेट से आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी राहें निकाल रहे हैं, और वो राहें वो हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने, जिसको कहते हैं मुतय्यन की थी, यानी पहले से डिटरमिन की थी साल हर साल पहले, मगर चूंकि ये अब उनके हाथ में कुरा निकला BJP ने, उन्होंने ये फैसले लिए जो फैसले शायद कांग्रेस ने लेने थे अगर वो कभी यहाँ पर मेजॉरिटी में होते तब शायद किसी को इतराज़ ना होता, शहीन बाग का भी ये मैस ना होता, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी ये इस तरह का जो मैस है ना होता, और वो मुल्क तोड़ने की बातें भी ना होती, मगर चूँकि ये BJP कर रहे हैं और कोई और मुद्दा किसी के हाथ नहीं आ रहा था तो वो सब उसके ख़िलाफ़ निकल आए। ज़रूर निकलें, विरोध करें, डेमोक्रेसी में हक है, मगर जहां मैं बात आज ख़त्म करूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं आज जूही चावला की वो बात ज़रूर बार बार कोट करूंगा, वो मैं आखिर में भी कोट कर रहा हूं कि पहले समझें और फिर मुंह खोलें। CAA, NRC और भारत की सिविलाइजेशन के हवाले से डिबेट्स आगे चल रही हैं, और मैं ताहिर गोरा आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स आगे आने वाले दिनों में लेकर आऊँगा, बहुत मुख्तलिफ रंग के साथ, मुख्तलिफ ढंग के साथ। आज का मेरा तबसरा देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।